की शुरुआत नए सिरे से करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर आरोप दोहराया है, केंद्र सरकार सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। रिटेल में एफडीआई को मंजूरी देने पर भी उन्होंने सरकार पर राज्यों को भरोसे में ना लेने का इल्जाम लगाया। विवेकानंद युवा विकास यात्रा पर निकले नरेंद्र मोदी से बातचीत की हमारी संवाददाता गोपी घांगर ने, पेश है बातचीत के कुछ अहम अंश। चुनाव गुजरात में होने हैं, लेकिन आपके निशाने पर हमेशा केंद्र की यूपीए सरकार रहती है, मनमोहन सिंह रहते हैं या सोनिया गांधी रहती है? देखिए, अगर मैं एफडीआई पर बोलता हूं तो मैं कोई प्रधानमंत्री पर आरोप करने के लिए नहीं बोलता हूं। हमारा देश एक संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर भारत सरकार को कोई निर्णय करना हो जो राज्यों से संबंधित है तो उन्होंने राज्यों को विश्वास में लेना चाहिए। ये एफडीआई के निर्णय पर उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, एफडीआई के विषय में उनकी क्या सोच है वो रखनी चाहिए थी, राज्यों की सोच क्या है उनको पूछना चाहिए था, एक व्यापक विचार विमर्श होना चाहिए था। और पिछली पार्लियामेंट के सेशन में भी उन्होंने वादा किया था कि वो राज्यों से सलाह मशवरा करने के बाद ही इस पर कोई फैसला करेंगे। उन्होंने राज्यों को अंधेरी में रख करके पूरी तरह जानकारी दिए बिना एकदम से रातोंरात निर्णय किया है। तो लेकिन जो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी है उसको लेकर नीतीश कुमार आपका नाम पसंद नहीं करते हैं, बाला साहब ठाकरे हैं उन्होंने कह दिया है कि सुषमा स्वराज एनडीए के कैंडिडेट के तौर पर, प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट के तौर पर ज्यादा पसंद की जा रही, वैसे में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे गुजरात में मुख्यमंत्री का काम करते करते 11 साल हो गए, ये 7 अक्टूबर को मुझे 11 साल पूरे होंगे। 11 साल में जो गुजरात में मैंने काम किया है, एक प्रकार से पिछले 50 साल में कांग्रेस ने जो भयंकर गड्ढे किए हैं, विकास के नाम पर जीरो किया है, मेरी पूरी शक्ति उन गड्ढों को भरने में गई है। तो लेकिन आपने ये जवाब नहीं दिया कि नीतीश कुमार क्यों आपको पसंद नहीं करते हैं? गुजरात की जनता से ही मैं पसंद नापसंद का नाता रखता हूं। गुजरात की जनता ने मुझे पसंद किया है, मैं गुजरात की जनता से पूरी तरह लगन से सेवा कर रहा हूं। सर, लेकिन जिस तरीके से आप सीबीआई पे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इस बार बीजेपी के सामने सीबीआई चुनाव में खड़ी रह रही है, मैं बड़ी गंभीरता के साथ दोबारा इस टीवी चैनल के सामने लगा रहा हूं। मैं साफ आरोप करता हूं कि दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस सरकार के पास अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने राजनीतिक हथकंडे करने के लिए अब एक ही माध्यम बचा है और वो सीबीआई है। गुजरात में सीबीआई का भरपूर दुरुपयोग हो रहा है, निर्दोष नागरिकों को परेशान करने के लिए भांति भांति के खेल किए जा रहे हैं। और ये मेरा गंभीर आरोप है कि गुजरात के चुनाव में सीबीआई को पूरी ताकत के साथ उसका दुरुपयोग होने वाला है। जी बिल्कुल, ये थे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका कहना है कि गुजरात, उन्होंने ये कहा है कि गुजरात चुनाव में इस बार ना कि कांग्रेस बल्कि सीबीआई उनके साथ सामने चुनाव लड़ेगी। कैमरा पर्सन उज्जवल होता के साथ गोपी घांगर, धंधुका आज तक।